मैं चेता रही हूँ उन लोगों को जो सूरजगढ़ में विमानस फैलाना चाहते हैं, सूरजगढ़ को अपनी जागीर समझ रहे हैं जो लोग यहाँ लोगों को लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको चेता रही हूँ कि अब सूरजगढ़ नहीं सहेगा। अब मैं हूँ अशोक राय का, आप देख रहे हैं यशदीप खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सूरजगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान विधायक सुभाष पुनिया का टिकट काटकर दोबारा से संतोष सहलावत पर विश्वास जताया है। आज हमारे साथ संतोष सहलावत है, उनसे जानेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव में उनका विजन क्या रहेगा। सबसे पहले आपको सब बधाई हो चुनाव की टिकट। धन्यवाद आपको। यहाँ पे जो भाजपा ने आप पे दोबारा विश्वास जताया है, सिटिंग का जो है विधायक है उनकी टिकट काटी गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, टिकट मैं इसे काटना नहीं कहती हूँ, मैं कार्यकर्ताओं को दूसरों को अवसर देना कहती हूँ। जैसे मैं लोकसभा सदस्य थी, फिर दूसरे व्यक्ति को अवसर मिला, तो ये समस्त कार्यकर्ताओं को अवसर देना है, मेरी दृष्टि में काटना नहीं मैं इसको बोलती हूँ। तो सुभाष जी को भी टिकट किसी का बदल के मिला था, मुझे भी किसी का टिकट बदल के मिला था, और ऐसे और कार्यकर्ताओं को भी भविष्य में मौके मिलते रहेंगे। तो मैं ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ये नहीं करती हूँ। क्या विजन लेकर आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट विजन है। 5 साल की ये सरकार कांग्रेस की यहाँ रही, हर कार्यकर्ता को टॉर्चर किया गया, यहाँ दिन दहाड़े गोलियाँ चली, फिरौतियों की मांग हुई, यहाँ लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, यहाँ जमीनों के घोटाले हुए, लोगों के पुराने बने हुए मकानों पर कब्जे कर लिए गए, किसकी शय पर। ये बड़ी संवेदनशील विधानसभा, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये बॉर्डर पर लगी हुई विधानसभा है, यहाँ अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मैं चेता रही हूँ उन लोगों को जो सूरजगढ़ में विमानस फैलाना चाहते हैं, सूरजगढ़ को अपनी जागीर समझ रहे हैं जो लोग यहाँ लोगों को लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको चेता रही हूँ कि अब सूरजगढ़ नहीं सहेगा। अब सूरजगढ़ का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है और आईना दिखा देंगे हम आपको। मैं आज आपके सामने कर रही हूँ ये बात, आपसे दावा कर रही हूँ इस बात का कि राजस्थान में भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी और 2013 का रिकॉर्ड बीट करेंगे और हम यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। पिछले कुछ चुनाव से देखे तो यहाँ पर एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का विधायक जीतता है, इस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथक है और मिथकों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, मैं काम पर विश्वास करती हूँ। और लोग, मैं आपको सच बता रही हूँ कि नाक आके बैठे हैं, हमने ऐसे दिन गिने हैं उंगलियों पर कि कब जाएगी ये सरकार, कब पिंड छूटेगा हमारा। यहाँ टॉर्चर किया गया है कार्यकर्ताओं को, वो बदला लेने के लिए बैठे हैं, और आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये मिथक जो चला रखा है अनावश्यक रूप से, ये कैसे तोड़ते हैं हम लोग। ये थे हमारे साथ संतोष सहलावत, और हमने जाना कि वो क्या विजन रहेगा उनका। धन्यवाद, यशदीप खबर से जुड़े रहे।